राम राम भाई, सबका स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। हम चल पड़े हैं मैडम को छोड़ने के लिए। मौसम आज साफ है लेकिन ठंड है। ये देखिए मौसम सही साफ है बट ठंड है। सारा कूड़ा भी भर लिया गाड़ी में, इसको सेक्टर 23 के मोड़ पे छोड़ के मेरे को आना वापस। यहाँ डाल दिया है कूड़ा और गाय को खिला दिया रोटी और आटा। और निक्की भी पहुँच गई है भाई अपने ऑफिस के लिए। मैं भी चलता हूँ वापस घर पे क्योंकि उसकी गाड़ी आ गई है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सैंडविच चाय। सबसे पहले हमने बटर ले लिया, उसमें चॉप किया हुआ गार्लिक और जिंजर डाल लिया, थोड़ा सा फ्राई करके हल्का सा सोटे किया। और जो भी आपके पास जैसे स्प्रिंग अनियन है या जो भी वेजिटेबल है, सारी वेजिटेबल्स आप डाल दी। जैसे हमने कैप्सिकम ली, कैरेट, स्प्रिंग अनियन, बीन्स, दूसरे अनियन, स्वीट कॉर्न। अब बस इसको थोड़ी सी देर किया हमने। थोड़ी सी देर भून के इसमें हमारे वेजिटेबल स्टॉक रखा है जो हमने थोड़ी देर पहले मैगी बनाई थी उससे निकाला, हल्का सा करके इसमें वेजिटेबल स्टॉक डाल लीजिए। और भाई सूप में करीबन 10 मिनट लगेंगी क्योंकि थोड़ा क्रंची सूप रखेंगे जिसको पीने में बहुत मजा आएगा और सर्दियों में बहुत हेल्दी भी रहेगा और पूरा गर्मी का एहसास करा देगा सर्दियों में। बॉईल हो जाता है हमारा। अब जैसे सूप बॉईल हो जाते हैं हम साथ में इसमें कॉर्न स्टार्च जो पानी में बिल्कुल ऐसे डिजोल्व करके, कोई भी नम नहीं होना चाहिए, उसके बाद हम ये इसमें डाल के 3-4 मिनट्स पका देंगे। सॉल्ट हमने डाल दिया था पहले, ये बॉईल हुआ था, धीरे धीरे कॉर्न को डाला। बस अब थोड़ा सा आपको स्टिर करते रहना है अदरवाइज लग जाएगा। फाइनली हमारा मिक्स वेजिटेबल सूप हो गया है रेडी और अब करते हैं गर्मा गर्म सर्व। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है भाई, बहुत ही टेस्टी और बेहतरीन सूप है। सर्दी में गर्मी का एहसास, आप भी ऐसे ही फटाफट रेसिपी घर पे बना सकते हैं। इतना बेहतरीन सूप रेस्टोरेंट स्टाइल में।